हेलो फ्रेंड्स, रेशमा मल्टी चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए कच्चा इमली है, आज मैं इसी का अचार बनाने वाली हूँ। तो इस टाइम सर्दी के मौसम में ये इमली मिलता है मार्केट में, हमारे यहाँ मिल रहा है, तो ये सीजन में ही बनता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत चटपटा इसका अचार बनता है। तो चलिए हम चलते हैं इसका अचार बनाने। तो इसे मैंने लेके अच्छे से वॉश कर दिया है। अब इसका अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे उबाल लेते हैं। ये आधा किलो इमली यानी 500 ग्राम ये कच्ची इमली है, और यहाँ मैंने 1 लीटर पानी डाला है और इसे मैंने गैस ऑन करके रख दिया उबलने के लिए। अब इस पर हम ढक्कन लगा देंगे और इसे उबलने देंगे। यहाँ मैंने हरे मिर्च को अच्छे से वॉश करके ले लिया है, इसे हम 2 टुकड़े में तोड़ लेंगे या फिर इसे बीच से काट लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये कलौजी मसाला है, आप इसे जब मार्केट में कहेंगे अचार मसाला तो भी ये आराम से मिल जाएगा। इसमें कई मसाले मिक्स हैं, जीरा, अजवाइन, मंगरेला, गुड़ ग्राइंड ऐसे करके। तो इस मसाले को हम पीस लेते हैं। यहाँ देखिए इमली अच्छे से उबल चुका है, लगभग 10 मिनट में ये अच्छे से हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं, इसे छान लेते हैं। तो सारे इमली को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे ऐसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए इमली को मैंने छान लिया है और ये इमली का पानी है जिसमें मैंने उबाला, इसे फेंकना नहीं है। इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। तो ये देखिए मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मसल लेंगे। तो ऐसे हमें मसलना है, मसल के इसके जो पल्प हैं उसको हम निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा जो छिलके हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे। तो मैं ऐसे ही इसको अच्छे से मसल लेती हूँ। ये देखिए इमली का पल्प मैंने निकाल लिया इसे अच्छे से मसल के। अब इसे हम छान लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक छन्नी लिया है आटा छानने वाला, अब इसमें इसको हम छान लेंगे। इस तरीके से हम इसे अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से छन जाता है। तो ऐसे ही हम सारा छान लेते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने एक बर्तन में उसका इमली का रस जो है उसे छान लिया है। देखिए छन्नी से छानने के बाद हम इसे ऐसे हाथ से भी छान लेंगे ताकि जितने भी इमली के पल्प हैं वो इसमें आ जाएं और बाकी जो एक्स्ट्रा छिलका है वो निकल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें छान लेना है। तो सबको हमने छान लिया है, ये बिल्कुल अच्छे से निकल गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये छिलका उसका अलग से निकल गया है और ये उसका रस इमली का। ये देखिए आप देख सकते हैं इमली का छिलका जो है एक्स्ट्रा उबला हुआ था, हमने मसल के निकाला हुआ है। तो ये देखिए निकल गया, हाथ से छानना है और इसे हम फेंक देंगे। यहाँ कढ़ाई हमारे अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो इसमें लगभग मैंने 3 चम्मच ऑयल डाला है, ये सरसों ऑयल है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें हम हरा मिर्च को डालेंगे, ये कटा हुआ हरा मिर्च इसमें हम डाल देते हैं और भून लेते हैं इसे अच्छे से। ऐसे हम इसे भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, लगभग इसे 2-3 मिनट तक हम इसे भून लेते हैं अच्छे से। इसे मीडियम ही फ्लेम पे हम भूनेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हम इसे भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिर्ची को अच्छे से भून लिया है और इसे एक बर्तन में मैंने निकाल लिया है। अब हम इसका मसाला भूनेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में 4 चम्मच ऑयल को डाल दिया, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। तो इसमें हम जीरे को डालेंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। जीरा हमारा अच्छे से चटकने लगा है, इसमें हम ये पीसा हुआ कच्चा सरसों है लगभग 1 बड़ा चम्मच, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये अचार का मसाला है जो मैंने आपको दिखाया था सिलबट्टे पे, मैंने इसे पीस लिया है। 2 बड़ा चम्मच हल्दी है, इसे भी मैंने सिलबट्टे पे पीसा हुआ है। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और इन्हें लगभग 2-4 मिनट तक हम अच्छे से पका लेंगे ताकि जो कच्चापन है ये निकल जाए। ये देखिए अच्छे से हमारा मसाला बन रहा है अचार का, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से। तो ऐसे ही हम 2-4 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेते हैं। इस अचार को ज़रूर से आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बहुत चटपटा बनता है। एक चीज़ का ध्यान रखें अचार का मसाला भूनते टाइम, इस टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है ताकि अच्छे से हमारे अचार का मसाला जो है वो पक जाए, जले नहीं और कच्चा भी ना रहे। तो बिल्कुल मैंने गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखा हुआ है। लगभग 4 मिनट इस मसाले को मैंने पका लिया है, इसमें से बहुत अच्छा सा खुशबू आ रहा है। तब इसमें हम इमली के जो पल्प है उसको हम डालेंगे, जो उबालने के बाद मैंने इसे निकाल लिया था, मैंने इमली का पल्प डाल दिया है।
अब इसमें हम उबले हुए पानी को डालेंगे जिसमें मैंने इमली को उबाला था। तो उबला हुआ पानी मैंने कहा था ना फेंकना नहीं है, तो ये इसी में यूज़ करना है। तो ये सब मैंने डाल अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है तो थोड़ा ज़्यादा ही हम नमक इसमें ऐड करेंगे। और वैसे भी जब भी कोई अचार बनाया जाता है तो उसमें नमक ज़्यादा ही डाला जाता है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारे चीज़ को मैंने मिक्स कर लिया अचार को। लगभग 20 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि ये अचार है ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसे अच्छे से पका के स्टोर करेंगे। अब इसमें हम भुने हुए मिर्चे को डाल देंगे। यहाँ मैं मिर्चे को इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब इसे हम चला लेते हैं और इसे हम ढक के छोड़ देंगे लगभग 15-20 मिनट तक, ये अच्छे से पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा हमारा इमली, कच्चे इमली का अचार बना हुआ है। बहुत ही चटपटा, बहुत टेस्टी। और इसे ठंडा होने के बाद आप स्टोर करें किसी भी बर्तन में। जिस बर्तन में इसे स्टोर करें उसमें पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए। और हमेशा ध्यान दें कि प्लास्टिक के बर्तन या कांच के बर्तन में ही इसे स्टोर करें, वरना वो बर्तन ख़राब हो जाएगा अगर आप स्टील में रखते हैं तो। देखिए बहुत ही अच्छा हमारा चटनी चटपटा सा बना हुआ है इमली का अचार। तो अब इसे आप लगभग 7 दिन तक आप स्टोर करके इसे खा सकते हैं, ये सेफ़ रहेगा। अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो लगभग 1 महीने तक अभी आप इसे स्टोर करके खा सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।